जय माता दी। वैष्णो देवी से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब करें डिवोशनल पॉइंट और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। जय माता दी। डिवोशनल पॉइंट आप भक्तों के लिए एक बार फिर से नई ताजी वीडियो लेकर हाजिर है। माता के पवित्र भवन से ताजा नजर आप भक्तों के लिए सबसे पहले डिवोशनल पॉइंट लेकर आ गया है। इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूले। माता की पवित्र यात्रा पर आप देख सकते हैं भवन पर किस तरीके से ओले बारी हुई है। आप देख सकते हैं माता के भवन पर ओले गिरे हैं और चारों तरफ जैसे सफेद बर्फ की चादर बिछ चुकी हो। अब देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे चारों तरफ बर्फ हो, पर ये बर्फ नहीं है, ये ओले गिर रहे हैं। आप भक्तों को बता देना चाहता हूँ, अगर आप माता रानी की पवित्र यात्रा पर जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ठंड का सामना करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं मौसम किस तरीके से बदल चुका है। पिछले 2-3 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही थी, अब माता रानी के पवित्र भवन पर आप देख सकते हैं ओले गिर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माता रानी भक्तों का यहाँ पर टेस्ट ले रही है, कहीं ना कहीं माता रानी भक्तों को देख रही है कि कैसे भक्त माता रानी की अब यात्रा कर पाते हैं और यात्रा को थोड़ा सा कठिन बना रही है माता रानी। हालांकि भक्तों की भी यहाँ पर दाद देनी होगी, चाहे कितनी ज़्यादा आंधी तूफान बारिश ही क्यों ना हो, ओले क्यों ना गिर रहे हो, बर्फबारी क्यों ना हो रही हो, भक्त कभी भी नहीं रुकते हैं। माता रानी के पवित्र भवन की सबसे अच्छी बात यही है, यात्रा की सबसे अच्छी बात यही है कि भक्तों के बीच में हमेशा जोश उत्साह बना रहता है, चाहे कोई भी माहौल क्यों ना हो, कोई भी मंजर क्यों ना हो। आप भक्तों को अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को बाकी भक्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। आप देख सकते हैं चारों तरफ जैसे बर्फ की चादर बिछ चुकी हो, ऐसा आपको देखने में लगेगा। तो कहीं ना कहीं काफी सुहावना मौसम आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब मैं आपको माता रानी के पवित्र भवन के दर्शन करा देता हूँ। सामने आप देख पाएंगे माता रानी का पवित्र भवन। देखिए किस तरीके से माता रानी का भवन जगमगा रहा है और माता रानी तो आराम से बैठी है और भक्त कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं बर्फ का माहौल ले रहे हैं, ओलों का माहौल ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं। तो काफी अच्छी बात है, भक्त भी कहीं ना कहीं इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। जो वेदर है बहुत ज्यादा प्यारा हो गया है। माता रानी की पवित्र यात्रा पर आप देख पाएंगे आपको बारिश देखने के लिए मिलेगी, दिन में आपको धूप भी देखने के लिए मिल सकती है, ओले देखने के लिए मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माता रानी फरवरी महीने में भी ऐसा माहौल बना रही है, बहुत ही अच्छी बात है। आप सही भक्त सामने देख सकते हैं माता रानी के पवित्र भवन पर चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई है। ये वो रास्ता है जो कि भक्तों को भवन से लेकर भैरव बाबा जाया करता है। भक्तों की यहाँ पर अभी भी भीड़ देखने के लिए मिल रही है और कहीं ना कहीं अपने आप में ही अद्भुत माहौल देखने के लिए मिल रहा है। हो सकता है आप में से कुछ भक्त ऐसा सोचे कि कहीं ना कहीं ये माहौल उन्होंने मिस कर दिया, जो बर्फबारी जो हो रही है, जो ओले गिर रहे हैं, उसका माहौल उन्होंने मिस कर दिया। कहीं ना कहीं माता रानी हर भक्त की परीक्षा लेती है और ये कहीं ना कहीं काफी कड़ी परीक्षा ही है। भक्त जो माता रानी की यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं उनके लिए ऐसा माहौल देखना अपना में अद्भुत नजारा होता है। आप देख सकते हैं माता रानी के पवित्र भवन पर कोई भक्त छाता लिए हुए है, कोई भक्त रेनकोट ओढ़े हुए है, तो कोई भक्त बिना रेनकोट और छाते के ही यात्रा पर बढ़ रहा है। मानो जैसे भक्तों को सिर्फ और सिर्फ एक ही लत लगी है कि भक्तों को माता रानी के पवित्र दर्शन करना है। इसी बात पर आप माता रानी की इस अद्भुत वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी भक्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप भक्तों को सबसे पहले डिवोशनल पॉइंट इस वीडियो के बारे में बता रहे हैं, जानकारी के बारे में बता रहे हैं कि माता रानी के भवन पर ओले गिरे हैं। तो आप भक्तों से कहना चाहूंगा कि माता रानी की पवित्र यात्रा पर आप जरूर जाएं, कतई भी ना रुकें। उम्मीद करता हूँ भक्तों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप भक्तों को वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इस वीडियो को सभी भक्तों के साथ शेयर करना ना भूले। अगर आप चाहते हैं माता रानी की यात्रा से जुड़ी रोजाना ताजा तस्वीरें पिंडी रूपी दर्शन रोजाना प्राप्त करना तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।